हेलो फ्रेंड्स, एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया क्या? कर लिया, सेंटर चल गया पता। अब क्या हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट है आप? चलिए, इसका रिप्लाई आप अपने आप को दीजिएगा। और फिलहाल मैं आपसे यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम में जाइए कूल एंड काम होकर के, तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जो स्टैटिक जीके 1 एंड जीके होगी, जो आपके सभी एग्ज़ाम में काम आने वाली है, काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं रेगुलर तरीके से, उस नोट्स को फिलहाल अब बस रिवाइज करिए, कुछ नया सीखने का प्रयास ना करें। अगर आपको तैयारी करते हुए 6 मंथ या 7 मंथ हो चुका है, तो मॉक टेस्ट से आप थोड़ा सा रूबरू हुई है। आप देखिए मॉक टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस में आप लोग को अधिक समय लगता है, किस में आपको कम समय लगता है, या फिर कौन से सेक्शन आपका वीक जा रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट यू कैन जज। तो अब फिलहाल मैं बिना आगे कुछ फालतू बात करे आप सभी के सामने मतलब करके आज का वीडियो स्टार्ट करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी फॉर्मेलिटी जो होती है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो आपको बताना हर चैनल का अपना अपना फर्ज होता है। और इसी के साथ एक बात और कि हर चैनल अपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है आपके एमटीएस तैयारी करवाने के लिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट सभी लोग, सारे चैनल जो भी बना रहे हैं वीडियो, वो सब मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बस अब आप चेक करिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप उनकी मेहनत को कम से कम जाया ना होने दें, क्योंकि कुछ लोग रात में रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ लोग रूम को बिल्कुल साइलेंस करके स्टडी करते हैं। रूम साइलेंस का मतलब ये है कि बिना फैन के वो लोग बैठते हैं कि फैन का साउंड ना आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। मैक्सिमम क्लैरिटी का ध्यान रखते हैं, पीडीएफ को काफी क्लियर रखते हैं, डिजिटल नोट पैड परचेस करते हैं, वहां से लिखते हैं, आपके क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं। सबके पास मेहनत ही मेहनत, मेहनत ही मेहनत, सुबह शाम बनते लगे पड़े हैं। क्या आप मेहनत कर रहे हैं इस एग्जाम को लेकर के? 4 दिन में कुआं खुदेगा, आग लग चुकी है, आप कुआं खुदने बैठे हो, क्या एग्जाम क्रैक होगा? चलो ठीक है, ना होने से कुछ तो होगा, हार मत मानो, बस लगे रहो। चीजें खुद नहीं होती, उन्हें करना पड़ता है, जैसे कि आप सामने ये रिपोर्ट देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, रियल नेम क्या था? दयानंद सरस्वती का जो रियल नेम था वो था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है, वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कौन सी जगह पर? महू में। कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इसमें, जन्म का ईयर 1891, कहाँ पर? मध्य प्रदेश महू में। अगला क्वेश्चन से आपका, 1857 की क्रांति को बेंजामिन डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बोध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप का नामित किया था। तृतीय बोध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में सम्मिलित है। देखिए टोटल जो महाजनपद है, हमसे एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखिएगा, 16 महाजनपद हमारे हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधार शैली तथा मथुरा शैली कनिष्क के काल में विकसित हुई थी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव V.S. रमा देवी है। राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन है? वॉयलेट अल्वा। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक कौन थे हम लोग? फर्स्ट जो सीरियल था दूरदर्शन पर, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हम लोग। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये थे लॉर्ड पार्मस्ट्रॉन। गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था, और अगर बात करें प्रधानमंत्री की तो ये थे लॉर्ड पार्मस्टर्न। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। हमसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस बना के पूछेगा वो भी आप ध्यान रखिएगा। वो पूछेगा हमसे ये, इसका प्रतिपादन किसने करा था? उसका राइट आंसर क्या होगा? कॉपरनिकस। सौर के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% होता है,
22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए विख्यात था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? यह है वट। वट को बोलते हैं बरगद। ठीक है, वट बोलेगा ऑप्शन में तब भी आपको याद रखना है वट होता है बरगद। दोनों ही नाम आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लद्दाख तथा छोटा जिला थारबाल था। पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता था। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता था। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता था। भारत का मैकियावेली किसको कहते थे? ये कहते थे चाणक्य को। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के प्रचलित करे। सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित करे? ये करे कुषाणों ने। मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ता था सिल्क मार्ग कहलाता था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के बहुतायत रूप से प्रचलित किए थे। भूमि देने की सामंती प्रथा हर्ष ने प्रारंभ की थी। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक बलबन था। शाहजहां ने इलाही संवत के आधार पर हिजरी संवत चलाया था। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। लवण कच्छ के एक प्राकृतिक वन को मैंग्रोव कहा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध जो संबंध है वो कौन सी नदी से है? यह जम्बेजी नदी से। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। सबसे लवणीय सागर मृत सागर है जिसको हम लोग डेड सी भी बोलते हैं। नियाग्रा प्रपात यूएसए में है। सोमपेंस निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? ये क्या है? ये सोमपेंस जो निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी हैं। ये क्या है? ये एक आदिवासी है। कहाँ के आदिवासी हैं? ये है निकोबार के। अगला क्वेश्चन, भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या था? उसका नाम था आस्था। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिण अंडमान में। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का एक भाग है। कुल्लू घाटी मध्य हिमाचल तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है। एक वर्ष में कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में किया गया था अनुवाद रजमनामा के नाम से। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था, ठीक है ना? और उसको किस नाम से प्रचलित करा गया था? उसका नाम था रजमनामा। सिखवाद का प्रवर्तन 1469 में 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित करी गई थी? ये विकसित करी गई थी गुरु अंगद के द्वारा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कहाँ पर है? यह मैसूर महल। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना सिसिल कुमार घोष ने की थी। बारदोली सत्याग्रह के दौरान प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेस्ली विल्सन था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है? देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार, देखिए मिलाने का अधिकार का मतलब हाय हेलो से नहीं है, ठीक है? मिलाने का अधिकार है उसका क्षेत्रफल को किसी दूसरे क्षेत्र के साथ ऐड कर देना या फिर किसी राज्य को, जैसे कि वो डिवाइड होता है, जैसे आपका भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना बना वहां से निकल करके, ठीक है? तो ये आंध्र प्रदेश पहला हमारा राज्य था जो लैंग्वेज से संबंधित था। तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश अमरावती ये सब जो लिंक बने हैं इन सब के आपस में डिवाइड वगैरह हो गए सब के सब, ये सब किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये आता है संसद के।
केंद्र राज्य संबंध सातवीं अनुसूची से है। केंद्र और राज्य का संबंध कौन सी अनुसूची से है पूछेगा, तो इसका राइट आंसर होगा सातवीं अनुसूची से। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा सातवीं अनुसूची में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। अमीर खुसरो कितनी भाषाओं को जानता था, दो तीन चार, आपको ऑप्शन में ये देगा, आपको पता होना चाहिए दो, कौन सी, हिंदी और फारसी। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। विश्व बिलियर्ड्स जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था, विल्सन जॉन्स। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला एन लैम्सडेन है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी है। डेड हिट शब्द, डेड हिट, डेड बोलेगा या फिर डैड बोलेगा, ठीक है ना, कुछ भी बोले, उस शब्द का संबंध किससे है, यह घुड़ दौड़ खेल से। चमत्कारी सचिन पुस्तक का लेखक कौन है, लोकेश थाने। मैसूर एक्सप्रेस क्रिकेट खिलाड़ी श्रीनाथ को कहा जाता है। बंकर शब्द पोलो खेल से संबंधित है। देखिए बंकर क्या होते हैं, जो सैनिक भूमि के अंदर अपना घर बनाते हैं, जो सरहद पे जो सैनिक होते हैं तो उनका घर कहाँ पे होता है, जमीन के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं बंकर, मतलब छुपने का स्थान। और यही बंकर शब्द जो संबंधित है किससे है, पोलो खेल से भी संबंधित है। तो कुछ स्टैंडर्ड कुछ वर्ड होते हैं वो आपको याद करने हैं खेल से संबंधित, और कौन सा वर्ल्ड कप कब होने वाला है, आगामी जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी आपको याद रखना है स्टडी जीके में, और कौन सी परियोजना कब लागू हुई थी या फिर जलप्रपात कौन सा है, तो कुछ स्टडी जीके आपको याद करनी पड़ेगी एग्जाम से पहले। अब आपके पास समय बहुत कम है कि आप पूरी लुसेंट नहीं पढ़ सकते हो, इस 5-6 दिनों में पूरी लुसेंट फिनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। ये स्टैटिक जीके थी, काफी अच्छे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इन सब क्वेश्चन को अगर आप करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम देते हो सबसे पहले आपके पास एक कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, शॉर्ट में ये बताऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस थोता चने बाजे घना, थोता चना बाजे घना, वो वाला हिसाब होता है ओवर कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कूल एंड काम, जो पढ़ा है ठीक पढ़ा है, चलो ठीक है, मैक्सिमम एडवाइस करके हम लोग गए थे, जितना प्रयास था पूरी ईमानदारी से करा था, दिमाग हमारा यहाँ वहाँ नहीं था एग्जाम के टाइम में, पढ़ते समय हमने कोई भी लापरवाही नहीं दिखाई, पढ़ते समय हम लोग व्हाट्सएप पे नहीं लगे। कुछ बच्चे होते हैं कि ठीक है व्हाट्सएप पे वीडियो लगा दिया, जीके चल रही है सुनते जा रहे हैं, साइड में अपना फेसबुक पे रिप्लाई कर रहे हैं, पिंग कर रहे हैं किसी को, ऐसे पढ़ाई नहीं होती मेरे हिसाब से। तो चलिए मेरे हिसाब से क्या है क्या नहीं है सही, सबसे पहले तो ये है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं, आपको पता होना चाहिए क्या सही है प्यारे बच्चों क्या गलत। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले प्ले लिस्ट में जाइए, डिसाइड करिए, उसके बाद में सब्सक्राइब करिए। टाटा, टेक केयर, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।